वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफिनेशन जान लेते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग इसको अच्छी तरह से जान लेंगे। तो प्लेस वैल्यू कहते किसे हैं, पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ पोजिशन और प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। मतलब ये है कि किसी भी नंबर में किसी खास एक डिजिट का या एक से ज्यादा डिजिट का जो पोजीशन होता है, जो प्लेस होता है, वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू किसे कहते हैं। फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इटसेल्फ इन अ नंबर। मतलब ये है कि किसी भी नंबर में जो फेस वैल्यू होता है किसी डिजिट का, वो उसका खुद का वैल्यू होता है। अब ये दोनों इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन अभी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि इस नंबर में 7 जो है वो किस प्लेस पे है, देखिए 1s 10s, तो 10s प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 10s। 7 10s मतलब 7 × 10, 7 × 10 क्या हो जाएगा 70, है ना। उसके बाद अगर आप लोग इसके फेस वैल्यू को पता करना चाहें, तो जैसा कि मैंने डिफिनेशन में बताया है कि फेस वैल्यू में जो डिजिट होगा उसका खुद का वैल्यू, यानी द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, खुद का जो वैल्यू होगा वही इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। तो 7 जो डिजिट है इस नंबर में, तो 7 का वैल्यू खुद का क्या है, 7 ही है, तो इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें, ये 278 में ये जो 2 है, 2 कौन से प्लेस पे है, 1s 10s 100s, तो 100s प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 200s। तो 200s मतलब 2 × 100, यानी 200, इस नंबर में 2 का प्लेस वैल्यू 200 हो जाएगा और फेस वैल्यू इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, तो इस डिजिट यानी 2 का वैल्यू क्या है, 2 ही ना है, तो इसीलिए खुद का वैल्यू यानी 2, फेस वैल्यू 2 हो गया। अब इस नंबर में देखते हैं, इस नंबर में 5 जो है वो कौन से प्लेस पे है, देखिए 1s 10s 100s 1000s, तो 1000s प्लेस पे है, तो इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू हो गया 5000s, है ना, यानी 5 × 1000, यानी 5000। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू 5000 हो गया इस नंबर में, है ना। अब इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, है ना। उसके बाद इस नंबर में 4 का प्लेस वैल्यू, देखिए 4 कौन से प्लेस पे है, 1s 10s 100s 1000s 10000, तो 4 10000s, तो 4 × 10000 यानी 40000, तो इस नंबर में 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा 40000 हो जाएगा। और फेस वैल्यू की बात करें तो 4 का जो खुद का वैल्यू है यानी 4, तो यही हो गया इसका फेस वैल्यू। अब इस नंबर में 8 का प्लेस वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो 8 कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 8 1s, यानी 8 × 1, यानी 8, है ना। तो इस नंबर में 8 का प्लेस वैल्यू 8 हो गया, और फेस वैल्यू क्या होगा, तो नंबर इटसेल्फ खुद का जो वैल्यू होता है वही होता है, यानी 8 का वैल्यू क्या है, खुद का 8 ही है, तो 8 इसका फेस वैल्यू भी होगा। तो इस एग्जांपल से पता चलता है कि जब किसी भी नंबर के 1s प्लेस पे जो डिजिट है उसका अगर हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करते हैं तो दोनों ही इक्वल आता है। जैसे कि इस एग्जांपल में जो 8 है 1s प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही इक्वल आ रहा है।